सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इस लाइफ चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को क्रिकेट से जुड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच हुए 31st आईपीएल मैच जो कि वानखेड़े में हुआ की फुल मैच हाइलाइट्स के बारे में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। पहले मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता और बॉलिंग को ऑप्ट किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से ओपन करने आए विराट कोहली और पार्थिव पटेल। कोहली इस मैच में फ्लॉप रहे और केवल 8 रन बनाए और पार्थिव पटेल ने अच्छी पारी खेली और 28 रन बनाए। उसके बाद आए डिविलियर्स, इन्होंने काफ़ी शानदार पारी खेली और 75 रन बनाए। उसके बाद आए मोइन अली, इन्होंने भी अच्छी पारी खेली और 50 रन बनाए। उसके बाद आए स्टोइनिस, ये 0 पर आउट हुए। अक्षदीप नाथ 2 पर आउट हुए और पवन नेगी 0 पर आउट हो गए। इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने मुंबई इंडियंस को 172 रन का टारगेट दिया। मुंबई इंडियंस की बॉलिंग की बात करें तो मलिंगा ने काफ़ी बढ़िया बॉलिंग की और 4 विकेट लिए। जेसन बेरनड्रॉफ ने 1 विकेट लिया और हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट लिया। उसके बाद आई मुंबई इंडियंस की बैटिंग। ओपन करने आए रोहित शर्मा और क्विंटन डीकॉक। रोहित ने आते ही हिटिंग स्टार्ट कर दी और 28 रन बनाए। क्विंटन डीकॉक ने अच्छी पारी खेली और 40 रन बनाए। उसके बाद आए सूर्य कुमार यादव, ये भी अच्छी पारी खेले और 29 रन बनाए। ईशान किशन ने 21 रन की साझेदारी की। कृणाल पांड्या थोड़े कम इफेक्टिव रहे और केवल 11 रन पर ही आउट हो गए। उसके बाद अंत में खेलने आए हिटर हार्दिक पांड्या, क्या जबरदस्त पारी खेली। इन्होंने 16 बॉल्स में 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 37 रन बनाए और टीम को जीत दिलाई। आरसीबी की बॉलिंग की बात करें तो युजवेंद्र चहल ने 2 विकेट लिए, मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिया और मोइन अली ने 2 विकेट लिए। आज मोइन अली का प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया रहा, मगर फिर भी ये आरसीबी अपना 7वां मैच लगातार हार चुकी है। मोइन अली की परफॉर्मेंस इन्हें जीत दिलाने में मदद नहीं कर पाई, तो अब देखते हैं आरसीबी सीरीज़ में अपनी कितनी जीतें दर्ज कर पाती है, क्योंकि अभी तो लगातार 7-8 मैच में से 7 हार चुकी है और केवल 1 ही जीत पाई है। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।